सट्टे का कारोबार करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। इस खबर के प्रायोजक हैं SSI केबल और सह प्रायोजक हैं रघुनंदन ज्वेलर्स। मेरठ में इन दिनों सट्टे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। सभी थाना क्षेत्रों में सट्टे का कारोबार धुआंधार चल रहा है। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है और ना ही इन्हें पुलिस प्रशासन का डर है। ऐसे ही एक सट्टा का कारोबार करने वाले आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के बेगमपुल चौकी के चंद कदमों की दूरी पर सट्टे का कारोबार चल रहा था, जिसकी थाना सदर बाजार पुलिस को भनक तक नहीं थी। सूचना मिलने पर कैंट ASP इरज राजा ने थाना सदर बाजार पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की, जहां से सट्टा लेने वाले एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से सट्टे में लगाए गए 28,000 रुपये, सट्टे की पर्चियां और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसमें दो आरोपियों का नाम और सामने आ रहे हैं। पुलिस उन आरोपियों की तलाश कर रही है और कठोर कार्रवाई की बात कह रही है। मेरठ से दबारा टाइम्स के लिए सोमित रिपोर्ट। एक सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर ही थाना सदर बाजार पुलिस के साथ वहां पर रेड मारी गई, तो मौके से एक व्यक्ति मिला है और उसके पास से लगभग 27,000-28,000 रुपये मिले हैं, सट्टे की पर्ची और मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। इसके अलावा दो अन्य लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, तो उनको भी हम लोग वेदु हैं और एक अन्य हैं, उनको भी हम लोग ढूंढ रहे हैं और उनके विरुद्ध दोनों के सभी तीनों के विरुद्ध बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह का काम आगे ना हो।